जून की और जो मेरी लास्ट सेकंड पिक्चर देखी थी वो थी मेरी अभी की। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माय हेयर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी फ्रॉम दिस टू दैट। मैंने अपने वालों को यहाँ से यहाँ पहुँचाया एंड आई एम लाइक सो हैप्पी राइट नाउ, क्योंकि मेरी स्कैल्प इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। OMG, मतलब स्कैल्प इतना ज़्यादा, अगर मैं मिड पार्टीशन करूँ तो कौन सा इतना मैं देखे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ना, तो बहुत ज़्यादा लग रहा था। मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑड लगता है, मतलब हमें स्कैल्प इतनी पार्टीशन हो जाए, इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो, तो ऊपर से यहाँ से पूरा पूरा तुम गंजे दिखने लगो। OMG, मेरे हेयर फॉल तो हो रहा था, मतलब स्टोरी है जनवरी से, जनवरी पे मेरे हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा था। तो फिर मैंने बहुत ज्यादा मतलब सर्च किया कि मुझे क्या लगाऊं क्या लगाऊं, तो मुझे रोज मेरी का मतलब ज्यादा सजेशन मिला, जैसे ड्राई मेरी को वाटर बना वो अप्लाई करो। इंस्टा पे, यूट्यूब पे, गूगल पे, सब जगह देखा, बहुत सारे लोग के रिव्यू भी देखे थे एक्चुअली मैंने। तो मैंने भी ड्राई लिप्स ऑर्डर कर दी थी और मैंने उसका वाटर होममेड घर पे बनाया, उसका स्प्रे बॉटल में करा उसको, और मैंने उसको भी मतलब बहुत, आई थिंक मैंने उसको जनवरी फरवरी 2-3 मंथ आराम से यूज करा था, लेकिन उसके बाद भी मतलब मुझे रिजल्ट नहीं दिखे। मतलब हेयर फॉल तो मेरा रुका ही नहीं था, मतलब आई थिंक कम हो गया था, लेकिन बाल नहीं दिखे, कोई कोई रिजल्ट नहीं दिखा मुझे, क्योंकि ऑयलिंग करो ये लगाओ वो। तो मैंने भी सर्च करा, फिर मतलब मैंने बोला ऑयल भी लिया था, वो कौन सा था, इंदुलेखा का, वेट ये, हाँ इंदुलेखा का, ये भृंगा वाला इंदुलेखा का भृंगा ऑयल जो आता है, इसका भी मैंने शुरू करा था ग्रो न्यू हेयर के लिए, इसके भी रिव्यू के लिए, तो ये ऐसा का ऐसा ही रखा, मैंने इसको भी यूज नहीं करा था, क्योंकि ये भी मेरे बालों में बिल्कुल भी सूट नहीं करा, इसलिए तो गंदा सा भी हो गया, ऐसे रखा रखा। और फिर मतलब मैंने गई थी, मतलब मुझे रिजल्ट, मैं जो भी अप्लाई कर रही थी नीचे पर अपने रिजल्ट फोटो लेती गई कि एटलीस्ट मुझे पता तो चला कि जो मैं लगा रही हूँ उससे मतलब मुझे रिजल्ट मिल भी रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। तो फिर उससे बाद में कुछ मन तो मतलब मैंने कुछ भी नहीं लगाया, फिर छोड़ दिया था। हाँ मैंने एक चीज और लगाया था, कोकोनट ऑयल, अपने बालों में उससे मसाज करी थी, हफ्ते में 2 बार लगाया था, कि कोकोनट ऑयल मतलब नेचुरल वाला बहुत अच्छा होता है, मैंने वो लगाया। लेकिन फिर मुझे, मैंने सर्च करा, मुझे पता चला कि जिससे लो प्रॉस्पर्टी की हेयर होती है उसको कोकोनट ऑयल बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, वो सिर्फ हाई प्रॉस्पर्टी वालों के लिए होता है। लो प्रॉस्पर्टी वालों के हेयर के लिए कोकोनट ऑयल मतलब बेकार है, बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, हमारे बालों की जो डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा लो होती है। फिर मैंने उसको भी यूज़ करा था, मैंने सारी गलती चीज़ें लगाई थी, मैंने उसको स्टॉप कर दिया। उसके बाद में फिर आता है मतलब जून का मंथ, तो जो मेरी पहली पिक्चर थी ना वो जून की ही थी, मतलब जो मैंने लगाई थी, मैंने जून में अपना फोटो देखा, अपना स्कैल्प इतनी वाइट लग रही, इतनी वाइड स्कैल्प हो गई थी मेरी। OMG, मैंने ये वाला फोटो देखा था भाई, मैं तो शॉक हो गई कि मेरा इतना बाल झड़ गया, मतलब बीच में मैंने लोगों ने तो ध्यान देना, मतलब मैं ठीक है, नहीं रुका तो नहीं रुका, क्या कर सकती, होता है कि हम इतना ज्यादा चीज लगा लेते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन फिर हमें लगता है कि हम ट्राई करते हैं, फिर हमें लगता है कि मतलब ठीक है अपने आप हो जाएगा। पर लेकिन मैंने जो जून में अपनी पिक्चर देखी भाई, उससे तो मैं और ज्यादा शौक हो गई। फिर उसके बाद में मैंने आई थिंक जुलाई या अगस्त से, शायद अगस्त से, आई थिंक जुलाई, फिर मैंने अगस्त से लगाना स्टार्ट किया था पिलग्रिम का हेयर री ग्रोथ सीरम, ये वाला जो आता है इनका, ये वाला पिलग्रिम का हेयर री ग्रोथ सीरम लगाना स्टार्ट किया था। तो इसकी मैंने आई थिंक 3 3 बॉटल खत्म हो चुकी है, बस इसमें भी थोड़ा सी बचा हुआ, ये मेरे चल रहा है, बाकी मेरी इसकी 3 बॉटल खत्म हो चुकी है। और इसके साथ में मैंने यूज करा लिटिल एक्स्ट्रा का, ये मैंने पीछे एक वीडियो डाली थी लिटिल एक्स्ट्रा ये वाला, ये तक तो मैंने 4 बॉटल यूज कर सकती, तब जाके मेरा जो स्कैल्प अब यहाँ से यहाँ पहुंचा है, इतनी ज्यादा बॉटल मतलब सीरम लगा चुकी हूँ मैं, मतलब इनको यूज करते हो 4 मंथ भी नहीं हुई है। जो मेरे अभी की पिक्चर है तो मुझे 4 मंथ भी, आई थिंक 3.5 मंथ हुआ है, और 3.5 मंथ इन सीरम ने मुझे मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट दे दिया है, क्योंकि आप मेरी पिक्चर देख सकते हैं, मैं और भी ऐड कर दूंगी मतलब इसमें। मतलब मुझे ये जब ये सीरम लगाना स्टार्ट करा था, मतलब 0% भी होप नहीं थी, मतलब तो मतलब ठीक है कुछ तो लगाऊं, फिर मैंने उसको लगाया पर मुझे 0% होप थी, लेकिन इन सीरम ने मुझे रिव्यू दिया और मैंने उसकी इतनी 4, और मैंने इसको मतलब डेली लगाया, एक भी दिन बिना स्किप करे डेली लगाया, अपने बालों की मसाज करी अच्छे से, पोनी बनाई तब छोड़ा। हाँ लेकिन आपको मतलब थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे रिजल्ट जो मैंने देखे हैं ज़्यादा, वो मुझे अब आके देखे हैं 3 महीने बाद के, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर 10-15 दिन लगाएंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं, सीरम वर्क करता है, लेकिन आपको प्रॉपर प्रॉपर मतलब केयर करनी होगी अपने बालों की, प्रॉपर लगाना होगा, मसाज करनी होगी अपने स्कैल्प की अच्छे से, तभी जाके, ऐसा नहीं कि 10-15 दिन लगाया तो अगले दिन चेक कर रहे हो कि नहीं मिला, नहीं, ऐसा वक्त नहीं करता है। ये तो है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और क्या। हाँ तो बस मैंने इतनी ही चीज़ फॉलो करी थी, आई थिंक
बस यही सीरम लगाया और तो कुछ नहीं। हाँ मैंने फिर मैंने ऑयल लगाना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। और क्या करा था मैंने, ऑयल लगाना बिल्कुल बंद कर दिया। और हाँ मैंने अपनी स्किन को पहले मैं क्या करती थी, कई दिन बाद वॉश करती थी। हमें लगता है जब भी मुझे लगता है मेरे घर गंदे हो रहे हैं, और अभी समर्स में मैंने बहुत ज्यादा वॉश किया है, मुझे ऐसा लगता था कि कई दिन बाद वॉश करेंगे तो हेयर चलेंगे। नहीं, आपको अपने स्कैल्प को क्लीन करके ही लगाना होगा सीरम। और आपको ऐसा भी नहीं कि आप उस सीरम के लगे दिन वॉश करना होगा, लेकिन हाँ आपकी स्कैल्प क्लीन हो, ऐसा नहीं कि आपने 10 दिन से बालों को वॉश नहीं किया और आप सीरम लगा रहे हो तो वो वर्क नहीं करेगा। अगर आपकी स्कैल्प क्लीन होगी, साफ होगी अच्छे से, तो वो सीरम ज्यादा वर्क करेगा। हाँ ये भी है। और ऑयलिंग करना बंद कर देता, शैम्पू यूज करा और कंडीशनर तो यूज नहीं करा, मैं हेयर मास्क यूज कर रही हूँ, बस सिंपल इतने ही मैंने फॉलो करा था। और हाँ तो ये मुझे इससे इतने रिजल्ट मिले। और फन थिंग इज लाइक दैट कि मेरी यहाँ की स्कैल्प तो मतलब जा रही थी, यहाँ की तो मैं हुई रही गई, लेकिन जो मेरे इस जगह है ना, यहाँ जैसे यहाँ होता है यहाँ किसी की मतलब पहले से बहुत कम बाल मेरे यहाँ पे और इस जगह मेरे बहुत कम बाल थे। मैंने पिक्चर भी एड कर दूंगी यहाँ पर, यहाँ यहाँ मेरे बहुत कम बाल थे मतलब, लेकिन मुझे इस सीरम से इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि मेरे यहाँ और यहाँ भी मतलब मेरी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। मैं इस वाली चीज से तो बहुत ज्यादा ही खुश हूँ, तो लाइक सो हैप्पी लगता है कि मुझे इससे मतलब यहाँ के बाल भी आ गए। क्योंकि जब हम ऐसे यहाँ का कोई हेयर स्टाइल बनाते हैं ना, तो वो थोड़ा गंजा गंजा सा लगता है ना, मतलब और लगता है। ऐसा नहीं कि अपने हमारे जैसे बाल के ये तो ग्रेटफुल वाला फर्क है, जो हमारे बाल उसके ग्रेटफुल तो होना ही चाहिए हमें, क्योंकि किसी के पास तो ये भी हेयर नहीं होते इसलिए। लेकिन फिर भी मतलब हमें लगता है ना कि यहाँ की तो मेरी इस वाले सीरम से यहाँ के भी बाल हैं, यहाँ की तो मेरी स्कैल्प हुई लेकिन यहाँ की भी हुई है। और रही बात मेरे हेयर फॉल की, हेयर फॉल होता है तो हेयर फॉल मुझे अभी भी होता है, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्टॉप हो गया, हेयर फॉल मुझे अभी भी होता है। लेकिन हाँ मेरी जो डी ग्रोथ है ना, वो मेरी स्टार्ट हो चुकी है अभी, मतलब वो मेरे फोटो जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन मुझे लगता है। लेकिन हाँ हम अभी तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं होगा इसको प्रॉपर 1 ईयर यूज करें तो वी कैन सी लाइक ना कि मैंने इसको मतलब कैसे यूज करा, किस टाइम पर यूज करा, इसके साथ में कुछ और भी टिप्स फॉलो करे या मतलब कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसका एक और पार्ट बता दूंगी, उसमें मैं प्रॉपर चीज बताऊंगी मैंने इसको किस टाइम पर लगाया, मतलब कैसे लगाया कि ये ज्यादा वर्क करे, A to Z डिटेल में सब उसको टिप्स एंड मतलब ट्रिक्स इसके शेयर कर दूंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।